पैसे ना बज रहे। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आपको जी वालेकुम। जी जी बेटा कोई क्वेश्चन है लोगों तो पूछ लें। शाबाश, लास्ट लेक्चर में से कोई क्वेश्चन है तो शाबाश आप लोग पूछ लें, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे, अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें, फिर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। द मैप मैथड, मैप मैथड के बारे में क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है एंड सो ऑन। जी कोई क्वेश्चन नहीं है जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट आप लोगों के पास एक मेथड है जिसको कहते हैं द मैप मेथड। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये मैप मेथड यूज क्यों किया जाता है। बेसिकली हम लोग लास्ट चैप्टर के अंदर सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन पढ़ के आए हैं, और आपने देखा था कि वहाँ पर हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे अपने फंक्शन की, तो हम लोग फंक्शन की सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे यूजिंग पास्टुलेट्स और थ्योरम्स। तो जैसा कि आपको याद होगा, अगर मैं आपको दिखा सकूं, क्योंकि कुछ मेरे जैसे नालायक भी होते हैं और उनको दिखाना लाजमी है कि कहाँ हमने ये किया था। यहाँ हमने सिंप्लीफिकेशन की थी फंक्शन की, और हमने यहाँ पर पास्टुलेट्स और थ्योरम्स वगैरह यूज करके फंक्शन को सिंपलीफाई किया था इनटू मिनिमम नंबर ऑफ लिटरल। याद है जी सबको? अगर नहीं तो याद आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन क्यों करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो अभी हमें उनको दोबारा से डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो जो मैप मेथड है ना बेटा, मैप मेथड भी फंक्शन को सिंपलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मैप मेथड जो है ये एफिशिएंट है प्रीवियस मेथड से। ये एफिशिएंट क्यों है कि यहाँ पर हमें कोई थ्योरम, कोई लॉज, कुछ इस तरह की चीजें जो है ना वो याद नहीं रखनी पड़ती। यहाँ पर बस एक दो रूल्स हैं, वो रूल्स याद रखने पड़ते हैं, और वो कोई रूल्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वो बिल्कुल जल्दी से याद हो जाते हैं, हमें फौरन से ठीक हो जाता है। तो आप लोगों के पास मैप मेथड इज यूज टू सिंपलीफाई द बुलियन फंक्शंस, और इसको बेसिकली कहते हैं के मैप। के मैप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पूरा नाम है दैट इज कॉर्न ऑफ मैप। इसके अंदर हमें कोई मैथ, कोई कोई पास्टुलेट या कोई थ्योरम जो है ना वो याद नहीं रखना पड़ता, कि भैया सोचना नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगाऊं, यहाँ पर कौन से पास्टुलेट लगाऊं। वहां तो हमें ये सोचना पड़ता है कि कहाँ यहाँ कौन सा रूल लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा थ्योरम लगेगा, कौन सा पास्टुलेट लगेगा। यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है, यहाँ पर जो एक दो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमारे पास जो है वो सिंप्लीफिकेशन हो जाती है, और बड़ी आसान तरीके के साथ हो जाती है। होता कैसा है मैप? मैप का मतलब होता है नक्शा, एक डायग्राम, एक फिजिकल, आप कह लें जी के फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। अब अगर जब मैप को डिफाइन किया जाता है ना, तो के मैप को, जब के मैप को डिफाइन किया जाता है तो बेटा कहा जाता है के मैप इज द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन ऑफ मिड टर्म्स। के मैप को कहा जाता है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिड टर्म्स। वो जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिड टर्म्स है ना, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, ये देखें। अब एक मैं आपसे कहता हूँ जी कि टू वेरिएबल्स होते हैं, उसके अगेंस्ट चार मिनटम्स बनती हैं। अब वो चार मिनटम्स हैं वो कैसे बनती हैं, वो हमें पता है कि एक मिनटम होती है जीरो जीरो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनटम होती है जीरो जीरो के अगेंस्ट बनती है, एक मिनटम बनती है जीरो वन के अगेंस्ट, क्योंकि चार दो वेरिएबल्स हमारे पास हों तो उनके अगेंस्ट जो चार कम्बिनेशन बनते हैं वो ये बनते हैं, और इनके अगेंस्ट जो मिनटम्स बनती हैं वो एक्स प्राइम वाई प्राइम, एक्स प्राइम वाई और एक्स वाई प्राइम और एक्स वाई। अब हमने कहा कि के मैप इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिन टर्म्स। कैसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? वो ये लिखी हुई है,
होता कैसे है? होता ये है कि पहले तो हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि कितने वेरिएबल्स का केमैप बनाना है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि मेरा फंक्शन कितने वेरिएबल्स का है। तो हमारा फंक्शन जो है वो टू वेरिएबल्स का भी हो सकता है, फंक्शन थ्री वेरिएबल का भी हो सकता है, फंक्शन फोर वेरिएबल्स का भी हो सकता है। अगर फंक्शन टू वेरिएबल्स का है तो बेटा उसका के मैप भी टू वेरिएबल्स का बनेगा। अगर फंक्शन थ्री वेरिएबल्स का है तो उसका के मैप भी थ्री वेरिएबल्स का बनेगा। अगर फंक्शन फोर वेरिएबल्स का है तो उसका फंक्शन भी, उसका के मैप भी फोर वेरिएबल्स का बनेगा, एंड सो ऑन। तो के मैप बनेगा कैसे, उसका रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि हमने अपने नंबर ऑफ वेरिएबल को डिवाइड करना है इनटू रोज एंड कॉलम्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टू वेरिएबल के मैप से, मतलब कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल्स हैं। दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट हमें हमें पता है, हम जानते हैं कि फोर कॉम्बिनेशन बनते हैं, और फोर कॉम्बिनेशन बनते हैं तो फोर मिनटम्स बनती हैं। वो जो फोर कॉम्बिनेशन बनते हैं या फोर मिनटम्स बनती हैं वो मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई हैं। अब हमने डिवाइड करना है दीज टू वेरिएबल्स इनटू रोज एंड कॉलम्स। तो जब हमने इनको डिवाइड किया रोज एंड कॉलम, तो यू कैन से दैट के हमने एक्स को कॉलम रो वाली साइड पे लिखा, ये देखें, और वाई को कॉलम वाली साइड पे लिखा, ये देखें, डिवाइड कर दिया हमने रोज एंड कॉलम्स में। जब रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड किया तो ये जो एक्स है, एक्स एक वेरिएबल है एक्स, इसके अगेंस्ट कितनी वैल्यूज आ सकती है? इसके अगेंस्ट या तो वैल्यू जीरो आ सकती है या वैल्यू वन आ सकती है। थोड़ा क्लोज कर लें सर, थोड़ा क्लोज कर लें सर। अब ठीक है जी, अब ठीक है जी सर, अब आ रहा नजर, ठीक है सर। अब हमने एक्स को रो साइड पे लिख लिया, वाई को कॉलम साइड पे लिख लिया, और अब देखें आप लोग के हमने लिखा कि ये जीरो वन किस बेस पे लिखा हमने, ये जो जीरो और वन लिखा है इसे किस बेस पे लिखा है? ये हमने लिखा कि एक वेरिएबल एक्स है आपका, उसके अगेंस्ट या तो जीरो वैल्यू आ सकती है या वन वैल्यू आ सकती है। जी, तो x जो है उसके अगेंस्ट या तो जीरो वैल्यू हो सकती है या वन वैल्यू हो सकती है। इसी तरह अगर हम y की बात करेंगे तो y भी एक वेरिएबल है, उसके अगेंस्ट या वैल्यू जीरो हो सकती है या वैल्यू वन हो सकती है। तो ये वही वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि अब x का यहाँ पर y के साथ कोई तल्लक नहीं है। x को हमने सेपरेट रो वाली साइड पे लिख दिया, y को सेपरेट कॉलम वाली साइड पे लिख दिया। अब इसका मतलब है कि दो रोज बननी है, क्योंकि रो साइड पर एक वेरिएबल है और उस एक वेरिएबल के अगेंस्ट सिर्फ दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, या जीरो या वन। तो दो रोज बन गई, एक जीरो वाली रो बन गई, एक वन वाली रो बन गई। इसी तरह कॉलम साइड पे आप लोगों के पास एक वेरिएबल है, दैट इज वाई, और उस वाई के अगेंस्ट दो वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, या जीरो या वन। तो इसी तरह आप लोग देखेंगे या जीरो के अगेंस्ट कॉलम बन सकता है या वन के अगेंस्ट कॉलम बन सकता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि जीरो के अगेंस्ट भी कॉलम बन गया, वाई के वन के अगेंस्ट भी कॉलम बन गया। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एनोटेट कर सकूं, तो यहाँ जरा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, उन्होंने नहीं लिखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको कि अगर आप लोग मैट्रिक्स को समझते हैं, आप लोग कॉलम को समझते हैं, रोज एंड कॉलम्स को समझते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं जीरोथ रो जीरोथ कॉलम, ये वन है, मैंने मिस्टेक नहीं लिख दिया यहाँ पर जीरो, ये लिख सकते हैं हम, ये जो सेल है जीरोथ रो जीरो कॉलम, इसको लिख सकते हैं जीरो रो जीरो वन कॉलम, इसको लिखते हैं वन वाली रो जीरो वाला कॉलम, और वन वाली रो वन वाला कॉलम। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जी सर। अगर लिख सकते हैं तो बेटा आप मुझे ये इसको जरा देख के बताएं कि क्या इसके अंदर चारों मिनटम्स नहीं लिख दी हमने,
दो वेरिएबल के अगेंस्ट चार कॉम्बिनेशन, चारों कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं इसके अंदर। और ये जीरो जीरो का क्या मतलब है, एक्स प्राइम वाई प्राइम। जीरो वन का क्या मतलब है, एक्स प्राइम वाई। वन जीरो का क्या मतलब है, एक्स वाई प्राइम। और वन वन का क्या मतलब है, एक्स वाई। तो मैंने आपको शुरू में क्या बोला था कि K map is basically the graphical representation of mean terms। तो अगर मैं इसको क्लियर करूं सारी एनोटेशन को, तो ये देखें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक मिन टर्म लिखी हुई है, यहाँ पर एक और मिन टर्म लिखी हुई है, यहाँ पर एक और मिन टर्म लिखी हुई है। ये कैसे लिखी है, ये मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है कि कैसे लिखी है। दिस इज, दिस स्क्वायर इज फॉर जीरो जीरो, जीरो थ्रो जीरो कॉलम। दिस स्क्वायर इज फॉर जीरो वन, जीरो थ्रो वन वाला कॉलम। दिस स्क्वायर इज फॉर वन, वन वाली रो, जीरो वाला कॉलम। मतलब यहाँ पर वन जीरो है, यहाँ पर वन वन है, एंड सो ऑन। सबसे पहला स्टेप था के मैप ड्रा करना। के मैप कैसे ड्रा करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया जी, के हम लोग देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कितने वेरिएबल्स का है। हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन है वो दो वेरिएबल्स का है, तो दो वेरिएबल्स के फंक्शन को हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है इनटू मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। तो सबसे पहला काम क्या है जी, सबसे पहला काम है के मैप ड्रा करना। के मैप कैसे ड्रा करेंगे, अपने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिवाइड करेंगे इनटू रोज एंड कॉलम। अब हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल इवन है, मतलब कि दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल रो साइड पर आ जाएगा, एक वेरिएबल कॉलम साइड पर आ जाएगा। उनके मुताबिक हमने उनकी वैल्यूज लिखी कि उनके अगेंस्ट कौन कौन से कॉम्बिनेशन या कौन कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। एक्स के अगेंस्ट जीरो और वन एग्जिस्ट कर सकता है, इसी तरह वाई के अगेंस्ट जीरो और वन एग्जिस्ट कर सकता है। फिर उनसे रिलेटेड हमारे पास स्केयर्स आ गए, और स्केयर्स के अंदर हमारे पास जीरो जीरो बन रहा है, तो जीरो जीरो का गेस्ट क्या बनेगा, एक्स प्राइम वाई प्राइम। जीरो वन के गेस्ट क्या बनेगा, एक्स प्राइम वाई। वन जीरो का गेस्ट क्या बनेगा, एक्स वाई प्राइम। और वन वन के गेस्ट क्या बनेगा, एक्स वाई। तो दीज आर दी मीन टर्म्स। अब नेक्स्ट उसके अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका वो क्या है कि ये फंक्शन था आपके पास जिसको हमने सिंप्लीफाई करना था, ये वाला एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम प्लस एक्स वाई। के मैप ड्रा करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो ये है कि हमने अपनी टर्म्स देखनी है कौन कौन सी हैं, और टर्म्स के कंसर्न्ड स्क्वायर को ऑन करना है। मैं यहाँ ही आपको उसमें वो तो नेक्स्ट पेज पे ले गए ना, मैं आपको यही करने की कोशिश करता हूँ, एनोटेट कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप लोग परेशान ना हो। आप लोग जो है ये कैमरा बनाया, ये हमारा एक्स वाली साइड है, ये हमारी वाइड वाली साइड है, जिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज जीरो, दिस इज वन। अब चलें नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने देखना है कि हमारे जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, और टर्म्स के कंसर्न्ड स्क्वायर को ऑन करना है। अब आप मुझे बताएं जरा इस पूरे के मैप को देख के कि एक्स प्राइम वाई कहाँ एग्जिस्ट करता है इस के मैप के अंदर। सर पहले नहीं सर, सेकंड था सर, एक्स प्राइम वाई एग्जिस्ट करता है यहां, सर इधर दूर। ठीक है, दूसरा स्टेप था उसके टर्म्स के कंसर्न स्केल्स को ऑन कर दें, हमने ऑन कर दिया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि हमने एडजेसेंट स्केल्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, एडजेसेंट स्केल्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है जी, अब मैंने ये दो कॉम्बिनेशन बनाया है, ठीक है, मैंने ये दो कॉम्बिनेशन बनाया है। वन जीरो का भी बन सकता है? नहीं नहीं नहीं, जो स्केल ऑन है बेटा उनका ही बनना है, जो स्केल है उनका ही बनना है। ठीक है, अब मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया, ये ग्रीन वाला। ये मैंने ग्रीन वाला क्यों बनाया, क्योंकि के मैप कहता है कि डायगोनल फॉर्म में कॉम्बिनेशन नहीं बनना। क्या कहता है के मैप, डायगोनल फॉर्म में नहीं बनना सर, डायगोनल फॉर्म में कॉम्बिनेशन नहीं बनना। इसलिए मैंने इसको ग्रीन में बनाया, क्योंकि ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है, ताकि मैं आपको बता सकूं भाई कि ग्रीन वाला कॉम्बिनेशन वैलिड नहीं है। एक बात, दूसरा रूल ये है कि जो कॉम्बिनेशन बनने हैं वो टू की पावर वाले बनने हैं। टू की पावर से मुराद ये है कि टू की पावर जीरो मतलब वन, एक स्केयर का अपने साथ ही कॉम्बिनेशन बन सकता है। टू की पावर वन टू, दो स्केयर का कॉम्बिनेशन बन सकता है। टू की पावर टू
फोर स्केयर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, टू की पावर थ्री एट स्केयर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो यहाँ पर तीन स्केयर का कॉम्बिनेशन भी नहीं बनना। वो कहता है जी कि टू की पावर जीरो है, तो आप लोग कहें जी के टू की पावर, अगर आप टू की पावर के साथ आपने बेसिकली कॉम्बिनेशन बनाना होता है, एक स्केयर का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब यहाँ पर एक का हम नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे उसके भी आपको रीजन बताएंगे। अगर टू की पावर वन ले लें तो दो स्केयर का कॉम्बिनेशन बनाता है, हमने बनाया दो दो, दो के दो बनाए, टू की पावर टू फोर स्केयर का कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब यहाँ पर फोर स्केयर तो ऑन ही नहीं है सर, तो एक कैसे बनेगा सर, एक वाला इसका मतलब है कि चार वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तीन का बना नहीं सकते, तो फिर क्या किया हमने, दो दो के दो बना दिए। अब मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ, बल्कि बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर अवेलेबल है, ये देखें बने हुए कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ और एक कॉम्बिनेशन यहाँ बना हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं वो कॉम्बिनेशन दो दो के दो कॉम्बिनेशन बने हैं, और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद क्या करना है उसकी तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, आपकी आवाज बिल्कुल इस तरह आती है जैसे वो किसी ड्रामा सीरियल या फिल्म के अंदर नहीं नशा करने वाला दिखाया होता, वो बोलता है ऐसे ढीला ढीला, तो आपकी बात मुझे समझ ही नहीं आती। आप मुझे ग्रुप चैट में लिख दिया करें जो भी है, ऊपर चैट का ऑप्शन है ना मीटिंग में, वहाँ लिख। ओके सर। आप तो कनेक्शन ही बड़ा नशे में है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चलो जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब दो कॉम्बिनेशन बने हैं, अब दोनों कॉम्बिनेशन को हमने ऑब्जर्व करना है रो वाइज एंड कॉलम वाइज। पहले हम इस कॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं जी, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये जो वन है ना, ये जो स्केल्स के अंदर है, जो कॉम्बिनेशन के अंदर आए हुए हैं, ये वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि दीज स्केल्स आर ऑन, ये स्केल्स ऑन है, ये है वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, इस पूरी रो में x की वैल्यू 1 है ड्यू टू दिस वन, और इस पूरी रो में x की वैल्यू 0 है ड्यू टू दिस वन, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मैं इस पूरी रो को, ये जो मेरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के अंदर मेरे पास ये रो यूज हो रही है, पहले हमने इसको रो वाइज ऑब्जर्व करना है, ये रो यूज हो रही है, इस पूरी रो में कौन सी वैल्यू कॉमन है रो रो वाइज, वन कॉमन है, कौन सा वन कॉमन है, ये वाला, क्योंकि ये पूरी रो जो है ना ये वन के लिए है, और ये वन जो कॉमन है ये किसकी वैल्यू है, वन एक्स की वैल्यू है, तो अगर ये वन हमारे पास एक्स की वैल्यू है तो ये देखिए हमने एक्स नहीं लिखा यहाँ पर, एक्स कॉमन आगे हमने लिख लिया। अब इस कॉम्बिनेशन को, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे, कितने कॉलम यूज हो रहे हैं इस कॉम्बिनेशन में, एक ही यूज हो रहा है, कॉलम दोनों यूज हो रहे हैं यार, ये वाला कॉलम भी यूज हो रहा है, ये वाला कॉलम भी यूज हो रहा है, इस कॉलम में नहीं है ये वैल्यू और ये वैल्यू, यस सर है, दोनों कॉलम यूज हो रहा है, जब दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं तो इस कॉलम में वाई प्राइम है, इस कॉलम में वाई है, तो वाई प्राइम और वाई आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो जब हम लोगों ने इस कॉम्बिनेशन को देखा बेटा तो इस कॉम्बिनेशन में रो वाइज एक्स कॉमन आया और कॉलम वाइज कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब उसके बाद अब हम दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे, दूसरे कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने जब देखा तो दोनों रोज यूज हो रही हैं, ये दोनों रोज हैं, ये वाली रो भी यूज हो रही है, ये वाली रो भी यूज हो रही है,
तो रो वाइज इस रो में जीरो है दैट मींस एक्स प्राइम, इस रो में वन है दैट इज फॉर एक्स, तो एक्स प्राइम एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस के रो वाइज कुछ भी कॉमन नहीं आया इस कॉम्बिनेशन में से। जब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कॉलम वाइज देखेंगे तो एक ही कॉलम यूज हो रहा है ये वाला, और इस पूरे कॉलम में क्या है वन, एंड दिस वन इज फॉर वाई, तो यहाँ से वाई कॉमन आ गया तो हमने यहाँ वाई लिख लिया। तो अगर हम लोग ओरिजिनली देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर कितने लिटरल्स है, इस फंक्शन के अंदर दो चार और छह लिटरल्स है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया सिंप्लीफाई करने के बाद तो कितने लिटरल्स आए, दो लिटरल्स आए। तो दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैथ, दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैथ, कि पहले हमें के मैप ड्रा करना है, फिर हमने टर्म्स के अगेंस्ट उनके स्केल्स को ऑन करना है, फिर स्केल्स को ऑन करने के बाद हमने कम्बिनेशन बनाने हैं, कम्बिनेशन कैसे बनने हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। कम्बिनेशन बनाने के बाद उन कम्बिनेशन को हमने रो वाइज और कॉलम वाइज ऑब्जर्व करना है और देखना है कम्बिनेशन वाइज के क्या कॉमन आ रहा है। तो जब हमने पहले कम्बिनेशन को देखा था तो हमारे पास पहले कम्बिनेशन में हमने रो वाइज देखा तो एक ही रो यूज हो रही है, उस पूरी रो में से क्या कॉमन आ रहा है, दैट इज वन एंड दिस वन इज फॉर एक्स। और जब इस कॉम्बिनेशन को हमने कॉलम वाइज देखा दोनों कॉलम यूज हो रहे हैं, दोनों कॉलम को ये यूटिलाइज कर रहा है, इस कॉलम में वाई प्राइम है, इस कॉलम में वाई है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाई प्राइम प्लस वाई ऑलवेज इक्वल्स टू वन, और हम लोग कहते हैं ये एक दूसरे के उलट होते हैं, अगेंस्ट होते हैं, कम्प्लीमेंट होते हैं ना एक दूसरे के। इसका मतलब है कि पहले कॉम्बिनेशन में से सिर्फ एक्स कॉमन आया, और फिर दूसरा कॉम्बिनेशन को जब हमने देखा तो दूसरे कॉम्बिनेशन में दोनों रोज यूज हो रही थी, दोनों रोज में से इसमें जीरो था दैट इज फॉर एक्स प्राइम, इसमें वन था दैट इज फॉर एक्स, ये एक्स प्राइम और एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब है कि रो वाइज कुछ भी कॉमन नहीं आया इस कॉम्बिनेशन में। और जब हमने इस कॉम्बिनेशन को कॉलम वाइज देखा तो कॉलम वाइज आप लोगों के पास सिर्फ एक ही कॉलम यूज हो रहा है, दिस इज दिस वन, और इसमें पूरे में हमारे पास क्या कॉमन है, ये वन कॉमन है, एंड दिस वन इज फॉर वाई, तो यहाँ से हमारे पास वाई आ गया। दोनों कॉम्बिनेशन को जब हम लोगों ने ओवरऑल देख लिया तो हमारे पास टोटल जो लिटरल आए दैट इज नंबर ऑफ टू लिटरल्स। जब ओरिजिनल फंक्शन के अंदर कितने लिटरल्स थे, छः, जब हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास कितने लिटरल्स आए, दो। तो दिस इज अ सिंप्लीफाइड फंक्शन एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज एक दफा इसको सुनिएगा, लेक्चर को दोबारा सुनिएगा, पढ़िएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए इतना ही काफी है जी, नेक्स्ट हम लोग थ्री वेरिएबल के मैथ से स्टार्ट करेंगे। जी बेटा क्लियर है जी सबको? यस सर। सर जी सर चले ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट आपके साथ क्लास जो है वो मंडे को उसमें मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।